ना दिव्य कुंडल मेरे कान में, ना कवच मेरा वस्त्र था, ना वासुदेव ना गांडीव, मेरा धर्म ही मेरा शस्त्र था। कभी श्रेष्ठ बनने की होड़ नहीं, उत्तम में ही संतोष था, सामर्थ था बाहुओं में और प्रत्यंक्षा की टंकार में ही उद्घोष था। तीन बार अंगराज को पछाड़ा, फिर भी अहंकार में खोया कभी ना होश था। कर्ण को मारना अधर्म नहीं, वो उसके कर्मों का दोष था। कहते हैं युद्ध में हनुमान मेरी ध्वजा पर और वासुदेव मेरे आगे थे, किंतु विराट युद्ध में अकेला था, तब क्यों सेना लेकर भागे थे। दुर्योधन को बचाया गंधर्वों से, जब कर्ण मद में चूर था, धुपस से भी प्राणों की रक्षा की थी, अंगराज फिर किस बात का गुरूर था। निहत्ते पर बाण चलाने के पक्ष में मेरा भी ना मर्म था, तक्षक को बाण पर जो बिठाया अंगराज, वो भी तो अधर्म था। कर्ण को हर्ष था, माता पिता का स्पर्श था, सारा जीवन मैं रहा वनवास में, फिर भी कभी ना कहा जीवन मेरा संघर्ष था। माधव ने कहा था ऐसा वक्त आएगा, मैं होऊंगा पक्षपाती और अर्जुन अधर्मी कहलाएगा, भूल कर धर्म कर्म हर कोई कर्ण कर्ण गाएगा।